हाय, कैसे हो तुम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग GTA 5 की 10 फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस बंदे का क्या नाम है। इस बंदे का नाम है साइमन। रुको भाई, एड़ा कहने से पहले पूरी बात सुन लो। जब एक कैरेक्टर डिजाइन किया था डेवलपर ने, तब इसका नाम साइमन रखा गया था, लेकिन जब स्क्रिप्टिंग आगे बढ़ी तो इसका नाम ट्रेवर कर दिया गया। वैसे अच्छा ही है, ट्रेवर नाम साइमन से ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, साइमन या ट्रेवर, कमेंट में बताना जरूर। वैसे तो इंडिया में हर कोई GTA गेम्स खेलता है, और GTA 5 भी बहुत से लोगों ने खेला होगा या फिर उसकी वीडियोस देखी होंगी। इवन उसमें से ज्यादातर तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन इस गेम की रेटिंग मैच्योर्ड है, यानी कि सिर्फ 18 साल से ऊपर के बच्चे ही इस गेम को खरीद कर खेल सकते हैं। और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि इसमें स्वेयर वर्ड्स बहुत यूज हुए हैं। तब मीडियोकर स्कॉट नाम के यूट्यूबर ने गेम की स्क्रिप्ट में से ऐसे वर्ड्स ढूंढे, तो पता चला कि उसमें 1000 से ज्यादा एफ वर्ड्स और सी वर्ड्स हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्वेयर वर्ड्स हैं। जैसे कि GTA 5 में सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही थोड़ी ना बोलते हैं, NPC भी बोलते हैं, जिनको अगर गाड़ी से निकालो तो मधुर शब्द सुना के जाते हैं, और उन वर्ड्स को इस गिनती में नहीं इंक्लूड किया गया। तो आप सोच सकते हो कि 1000 से भी कितने ज्यादा ऐसे स्वेयर वर्ड्स यूज हुए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1000 वर्ड्स अगर आ भी गए तो कौन सा बड़ी बात हो गई। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि माफिया 2 गेम, जो कि 2010 का है और काफी ज्यादा GTA से सिमिलर ही है, उसमें 397 एफ वर्ड्स थे, और उसके लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया था, लेकिन GTA 5 ने तो उससे भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। क्या आप ये चीज़ जानते हो कि GTA 5 को 2016 में लाने की प्लानिंग की थी रॉकस्टार वालों ने, लेकिन इसको 2013 में रिलीज़ कर दिया था रॉकस्टार ने। पता है किस लिए? क्योंकि GTA 4 मार्केट में उतनी कच कर नहीं पाई, क्योंकि एक डार्क गेम बन गया था, और फिर रॉकस्टार की रेपुटेशन भी जा रही थी। तो उससे सोचा कि भाई चलो, ये तो पॉपुलर है, इसी गेम को हम बनाएंगे। तो GTA 5 हमको 3 साल पहले ही मिल गया था, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। GTA 5 में बहुत से स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं जो कि कोई ना कोई टैलेंट दिखा रहे हैं, जैसे कि कोई ड्रम बजा रहा होगा, या फिर गिटार बजा रहा होगा, या फिर जॉम्बी बनके लोगों को डरा रहा होगा, और ये सब इसलिए करते हैं ताकि पैसा कमा सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनका फोन आ जाता है और वो स्ट्रीट परफॉर्मर्स अपना करेक्टर ब्रेक कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अगर आप उनको बिना टिप दिए उनकी फोटो खींचने की कोशिश करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे और आपको मारने भी लगेंगे। सही में काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया रॉकस्टार गेम्स ने GTA 5। अगर आपके पास कोई लो एंड PC है या फिर बजट PC है, तो आप लोग मुझे गेस करके ये बताओ कि कौन सा गेम अच्छा चलेगा, GTA 5 या फिर GTA 4। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि GTA 4 तो पहले आया था तो ये अच्छे से चलेगा GTA 5 के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं होता। GTA 5 उन सारे PC भी चल जाता है जो कि लो एंड होते हैं, या फिर बजट वाले होते हैं, या फिर पोटैटो PC होते हैं, उसमें चल जाता है GTA 5, लेकिन GTA 4 में चलाने में उसकी पोटी निकल जाती है। तो GTA 5 में आपको पता ही है कि हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट है तो बहुत सी वेबसाइट्स भी होंगी, जैसे कि कार्स खरीदने की, बैंक की, स्टॉक मार्केट की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि GTA 5 के इंटरनेट में एक डेटिंग वेबसाइट भी है जिसका नाम है hushmush.com। आप एक बात सुनकर हैरान हो जाओ कि उस पर माइकल की वाइफ अमेंडा की प्रोफाइल भी बनी हुई है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आप समझ जाओ कि वो अमेंडा ही है, और शायद उसी वेबसाइट की वजह से वो योगा टीचर भी आया था। और फिर आपको पता ही है कि क्या हुआ, अब मेरे को पता है कि आप इस वेबसाइट को रियल वर्ल्ड इंटरनेट पर भी सर्च करने की कोशिश करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, वैसे रॉकस्टार गेम्स की वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट हो जाता है। USA में एक जगह का नाम है डेस मॉरिस। अब यहाँ के एक बंदे ने रॉकस्टार के ऊपर केस कर दिया था, पता है किसके, क्योंकि वो गेम को खेल रहा था और उसमें उसको एक अपने जैसा एक NPC देखने को मिला था, और उसने अपने जैसा दिखने वाले NPC को उसने मार दिया था। तो इसलिए उसने रॉकस्टार के ऊपर क्लेम किया कि मैंने अपने आप को ही मार दिया है GTA में, इसलिए तुम मुझे पैसे दो। क्या गजब आदमी होते हैं ये सब। अमेंडा की वैसे तो आप उसे डायरेक्टली नहीं मार सकते क्योंकि गन्स उस पर काम नहीं करती, लेकिन आप चाहो तो उसे ग्रेनेड से मार सकते हो या फिर मोल्टोव से, और वरना आप चाहो तो उस पर गाड़ी भी चढ़ा सकते हो। अब ऐसे में फ्रैंकलिन और ट्रेवर डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे उस पर, और अमेंडा आपको ना आखिर में अपने हॉस्पिटल का बिल भेज देगी क्योंकि उसे आपकी वजह से ही हॉस्पिटल में रहना पड़ा है। GTA 5 शायद वो पहला ऐसा GTA गेम है जिसमें आप सारे वेपन को इस्तेमाल कर सकते हो इन एनी टाइम, यानी कि सारे वेपन को आप एक साथ चला सकते हो, अपने इन्वेंटरी में रख सकते हो, चला नहीं सकते, इन्वेंटरी में रख सकते हो। अब अगर आप GTA 5 ऑनलाइन खेलते हो तो आपको पता होगा कि एल रूबियो कायो पेरिको हाइस्ट का विलेन है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड है। उसका खुद का एक प्राइवेट आइलैंड है और काफी पावरफुल आदमी भी है वो। तो ये बात आती है कि वो एक्चुअल में है कौन,
पहली बात तो उसकी आवाज दी है आंद्रेस ग्रिगोजो ने, जिसने स्कारफेस गेम में टोनी मोंटाना की आवाज दी है। तो उससे ना वाई सिटी की थोड़ी बहुत वाइब्स आ रही है, क्योंकि वाई सिटी गेम बहुत हद तक स्कारफेस मूवी पर ही बेस्ड है। फिर एल रूबियो के कंपाउंड में हमें बहुत सारी फोटोज मिलेंगी रेड डेड रिडेम्पशन 2 के करेक्टर की, जिसका नाम है एंड्रियास, जो कि जर्मनी से अपनी फैमिली को लेकर अमेरिका में सेटल होने आया था। और एल रूबियो भी एक टाइम पे बताता है कि वो ओरिजिनली जर्मन है, तो हो सकता है कि आरडीओ 2 का एंड्रियास जीटीए 5 के एल रूबियो का दादा या परदादा हो। तो हमारी वीडियो को कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इस बार हम लोग लाइक एम रख रहे हैं, कभी रखा नहीं है, आज पहली बार रख रहे हैं, 50 लाइक्स का लाइव एम रख रहे हैं, शायद पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो यार लाइक कर देना, अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। फिलहाल तो मैं फिर मिलूँगा, हर रोज़ मिलूँगा आपसे ठीक रात के 9 बजे इसी चैनल पे द BYX 1722। थैंक्स फॉर वॉचिंग।